डीआईजी भरतपुर प्रकरण को लेकर आज विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि प्रकरण में लीपापोती की जा रही है। उन्होंने कहा कि डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और दलाल की निष्पक्ष जांच की जाए जिससे कि लोगों को न्याय मिल सके। और सबके दलाल रिमांड पर रहे हैं, कोई 8 दिन रहे हैं, कोई 10 दिन रहे हैं। इसका तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक दिन पहले दलाल पकड़ा, दूसरे दिन पेश कर दिया, तीसरे दिन उसको जेसी कर दी, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं शक जारी है कि इसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। इसकी एक एक बिंदु पर जांच करानी चाहिए, वो दलाल की संपत्ति उसकी जांच करानी चाहिए, जो डीआईजी इसकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए, और जो मैंने आरोप लगाए इसने जितनी तफ्तीश चेंज की हैं वो सारी तफ्तीश इसने गलत कराई हैं, प्रेशर में कराई हैं, और सभी तफ्तीशों की दोबारा से जांच कर होनी चाहिए। लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जो निर्दोष लोग हैं वो जेल में पड़े हैं और जो अपराधी हैं वो खुले में घूम रहे हैं।